बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का अरेस्ट होना, ड्रग के केस में उनका इन्वॉल्व होना ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि देश के बाहर के फैंस के लिए भी जानना काफी शॉकिंग रहा है। आपको बता दें, एनसीबी ने आर्यन खान के अलावा 7 और लोगों को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप से पकड़ा, जहां पर वो ड्रग कंज्यूम कर रहे थे। इन 8 लोगों से पुलिस ने 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए के 22 पिल्स बरामद किए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अंडरकवर जाकर ये रेड की और फिर उन्होंने इन 8 लोगों को पकड़ा। अब आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आर्यन खान के ड्रग कंजम्पशन के बारे में 3 ऐसी सच्चाई जिसे एनसीबी ने रिवील की है। सबसे पहली सच्चाई, आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के कोड नेम मिले हैं। जी हाँ, एनसीबी ने इंटरोगेशन और रेड के दौरान की कुछ अहम जानकारियां कोर्ट को शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें आर्यन खान के फोन से ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स मिले हैं जिसका कनेक्शन ड्रग से है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आर्यन खान के फोन में ड्रग से जुड़े चैट्स भी मिले हैं। एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन खान की कस्टडी इसलिए ली है ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर आर्यन को ड्रग्स मिले कैसे। एनसीबी ने इस बात को लेकर भी अपनी चिंता जताई है कि किस तरह आज का यूथ इस तरह के ड्रग से एडिक्टेड है और साथ ही साथ इसके चलते न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार वालों को भी दुख का सामना करना पड़ता है। एनसीबी ने ये रिवील किया कि ड्रग पेडलर्स ने आर्यन और बाकी लोगों से बातचीत के दौरान ड्रग्स का कोड नेम यूज किया है। दूसरी सच्चाई, आर्यन खान ने माना कि कंज्यूम करते हैं ड्रग। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी द्वारा इंटरोगेशन के दौरान आर्यन खान टूट गए और रोने लगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो ड्रग का सेवन करते हैं। आर्यन खान ने अपने कन्फेशन में बताया कि वो पिछले 4 सालों से कई तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं। रिपोर्ट की माने तो आर्यन खान इंटरोगेशन के दौरान काफी पोलाइट और कोऑपरेटिव थे। उन्होंने ये कहा कि जब वो दुबई, यूके और बाकी कंट्रीज में थे तो उस दौरान भी वो ड्रग का सेवन किया करते थे। तीसरी सच्चाई, आखिर पुलिस को कितना ड्रग मिला है और आर्यन खान को कौन सी धाराएं लगाकर अरेस्ट किया गया है। आर्यन खान को NDPS के सेक्शंस 8C, 20B, 27 एंड 35 के तहत अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, इन 8 लोगों के पास 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी और 21 ग्राम चरस के साथ साथ एमडीएमए के 22 टैबलेट्स भी बरामद किए गए थे और साथ ही साथ 1,33,000 रुपए भी इनके पास मिले। ऐसे में पुलिस ने इस तरह के चार्जेस के साथ आर्यन खान को अरेस्ट किया है। वेल, तो ये थी आर्यन खान के ड्रग कंजम्पशन से जुड़ी 3 सच्चाई जिसे एनसीबी ने रिवील की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।